दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे और क्रूड ऑयल में जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं ये क्या रह सकते हैं, इनके ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, हमने यहाँ पे 7 फरवरी एक्सपायरी का क्रूड ऑयल का चार्ट लगाया हुआ है एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में। और एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में अगर आप कोई टूल का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे साइड पैनल पे आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। अगर आप कोई भी चार्ट को लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ एफएक्स ऑप्शन से चार्ट को लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जो चार्ट लगाया हुआ है ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और इसमें ALMA इंडिकेटर लगाया हुआ है, साथ ही हमने KMCD को भी ड्रॉ किया है। इसके साथ ही हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं क्रूड ऑयल का। तो जैसे हम क्रूड ऑयल का एनालिसिस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कल के दिन में जो क्रूड ऑयल ने गिरावट दी थी और गिरावट के बाद आज इसने गैप के साथ ओपनिंग दी है। तो जहाँ इस प्रकार से इसका चार्ट था, एक नेगेटिव चार्ट बना था, लेकिन आज इसने एक गैप अप ओपनिंग दी, काफ़ी बड़े गैप के साथ क्रूड ऑयल ओपन हुआ है। तो ऐसे में अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि किस हमें क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट लेवल कौन से देखने को मिल सकते हैं जहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली आपको जैसे कि देखने को मिलेगा कि हम जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको टूल ऑप्शन पे आने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करना होता है। और यहाँ पहले नंबर पे आपको ट्रेंड लाइन मिलती है। तो जैसे कि इस कैंडल का एक हाई पॉइंट हम लेते हैं और जो पिछले समय में कुछ कैंडल्स बनी हुई थी उनके सारे हाई पॉइंट को मैच करते हुए हम एक नीचे की ओर एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर ड्रॉ कर दिया है, तो अब क्या यहाँ देखने को मिलता है कि यह ट्रेंड लाइन जो है यह बन गई है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन गई है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब जब स्टॉक रहेगा तो हमें निगेटिव डायरेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब कि स्टॉक जो है ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एक कैंडल थे जिसने ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिला और वापस नीचे आई। इसके साथ ही जो ALMA इंडिकेटर है इसमें भी सपोर्ट को लिया, लेकिन जैसे ही इसने इसके नीचे चलना चालू किया तो इसके क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं ALMA इंडिकेटर के आधार पर, तो 6560 के लेवल से इसने यहाँ पर जो करेक्शन दिया है ये 6520 का करेक्शन दिया है, मीन्स यहाँ पे इसने हमें 40 पॉइंट दिए है अगर इस इंडिकेटर के आधार पे हम काम कर सकते हैं तो। और साथ ही क्रूड ऑयल ने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंडिकेट किया था, इस नेगेटिव के साइन के साथ साथ यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता था। जो जहाँ अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल काम की, इसने भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिया और यहाँ पे अच्छी खासी काम को पुट्स को बाय करने की या फ्यूचर को सेल करने की यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि, लेकिन अगर हम अगले सेशन की बात करते हैं कि अगले सेशन में मार्केट में किस प्रकार से मूवमेंट रह सकता है, मार्केट किस प्रकार से मूव कर सकता है, तो जैसे कि अगर मार्केट का मूवमेंट की हम बात करते हैं अपसाइड में, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग बनते हुए नज़र आ रही है, साथ ही ALMA इंडिकेटर भी इसे ऊपर की ओर अब मूव करते हुए देखने को मिल रहा है और MACD लाइन भी हमें ऊपर साइड में जाने का संकेत दे रहा है कि अब हमें क्रूड ऑयल में थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल होते हुए नज़र आ सकता है, क्रूड ऑयल में यहाँ से ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्रूड ऑयल के जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल क्या रह सकते हैं, हम सपोर्ट के रूप में किन लेवल के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली जो कैंडल हमने लगा के रखा है 15 मिनट का, इसको हम कर देते हैं 1 डे का। 1 डे के कैंडल को करने के बाद इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उन लेवल को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लेवल क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो जैसे कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, तो क्रूड ऑयल में अभी जो कामकाज हुआ है, कारोबार हुआ है, काफ़ी सीमित हुआ है, इसने एक डोजी पैटर्न जैसा बना रहा है, ना ही ये अपसाइड में मूव करते हुए नज़र आ रहा है और ना ही डाउनसाइड में जाते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिविटी है, ये ऊपर साइड में देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर 5 मिनट के चार्ट को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि 5 मिनट में किस प्रकार से डेटा बन रहा है, तो 5 मिनट का डेटा देखें तो यहाँ पे हमको एक बाइंग का जोन देखने को मिल रहा है। बाइंग साइड में अगर इसके लेवल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके साथ जो 6550 का लेवल है, अगर ये लेवल ये होल्ड करता है तो हमें 6500 के लेवल हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं, तो इन लेवल के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। साथ ही जो चार्ट का टाइम पीरियड है, अगर हम 15 मिनट कर देते हैं तो 15 मिनट में भी हमें यही लेवल जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसी लेवल से क्रूड ऑयल ने एक
रेजिस्टेंस लिया था यहीं से स्लिप हुआ था। तो आने वाले समय में हमें क्रूड ऑयल में वापस यह लेवल रिटेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। किसी भी समय अगर आपको लगता है कि आपको क्रूड ऑयल में पोजीशन बनाना चाहिए तो नीचे दिए गए बाय ऑप्शन पर सिंपली इंस्टा ट्रेड पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहीं से बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए बाइंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक बार पोजीशन बनने के बाद तो आपका पी एंड एल आपको सेम विंडो पर देखने को मिलता है। आपको लगता है कि आपका पी एंड एल आप को का पोटेंशियल रिटर्न जितना आपने एक्सेप्ट किया था उतना आपको मिल चुका है, तो आप सेल ऑप्शन का यूज़ करके आप सेम टाइम पे आप क्रूड ऑयल की पोजीशन से आप एग्जिट हो सकते हो और अपने पोटेंशियल रिटर्न को बुक कर सकते हैं। तो इतना आसान होता है एंजल स्पार्क एप्लीकेशन का यूज़ करना और उसके टूल्स एंड इंडिकेटर को लगाना। तो इन इंडिकेटर का यूज़ करके आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और ज़्यादा ईजी कीजिए और ज़्यादा आसान कीजिए और यहाँ से आप अच्छी खासी ग्रोथ बनाइए। दोस्तों अगर आपके पास एंजल स्पार्क एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल स्पार्क के साथ ओपन करें और शानदार अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।